आवर्स का खेल बाकी 76 रन चाहिए रामवाड़ी की टीम को इस फाइनल को अपने नाम करने के लिए। आसमिन की आज की गेंद और फिर से थर्ड में की तरफ गेंद चली गई, लेकिन इस बार सिर्फ एक ही रन बन पाएगा। शाहजहां ने बहुत अच्छी फील्डिंग वहाँ पे की, इस बार हवा में खेला है, वहाँ पे कैच, वहाँ पे रन आउट होने का चांस, लेकिन इस बार थर्ड मैन की तरफ गेंद जाती हुई और एक झटका आरसीसी रामवाड़ी की टीम को। कैप्टन का पतन होते हुए काफी क्रूशियल पॉइंट पे यहाँ पे राजीव चार्ल्स गोंड को विकेट मिला है, उसे अपने वो ब्रेक थ्रू दिलाया, विकेट दिलाया अपनी टीम के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट यहाँ पे, 6 रन के लिए काफी देर बाद एक छक्का देखने को यहाँ पे मिला। इस बार आगे निकल के खेला है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन के लिए। ये गेंद इसको अच्छी तरह से टाइम कर पाए मिडल और मिडल के ऊपर से 6 रन के लिए। इस बार 4 रन मिलेंगे बैट्समैन। इसको उड़ाया स्लो डिलीवरी यहाँ पे और फिर से लंबा छक्का, गेंद दरिया सिंह की तरफ भागते हुए स्लो ओवर गेंद यहाँ पे और उसका भरपूर फायदा उठाया बैट्समैन। 12 गेंद जो है अभी बाकी, 27 रन चाहिए रामवाड़ी की टीम को जीतने के लिए। और ये बॉल और ये विकेट पर टीम, इस बार गेंद हवा में, इस बार कैच लेना चाहिए लेकिन ड्रॉप। ये गेंद आगे निकल के खेला है, पॉइंट की तरफ गेंद गई है, 1 रन, गेंद बाउंड्री लाइन। ये गेंद हवा में, वहां पे कैच हो सकता है आसिम अहमद उसके नीचे और तो बहुत अच्छा खेला अभी तक मैसे अहमद ने। 5 गेंदे 19 रन, लेकिन फिर से कैच हो सकता है और आउट। इस बार थर्ड मैन की तरफ गेंद गई, सिर्फ 1 रन ही यहां पे बन सकता है। एक बॉल 17 रन चाहिए इस फाइनल को जीतने के लिए, तो तमाशा अपने पांव पे खड़े हो चुके हैं एंजॉय करने के लिए। मुनीर अहमद इस फाइनल के आखिरी गेंद को फेस करते हुए आके परे बॉलिंग करते हुए, ये गेंद और सुपर कवर की तरफ सिर्फ 1 रन ही बन पाएगा। और इस तरह से राइजिंग स्टार्स गुंड ने यहां पे फाइनल जो है अपने नाम किया है, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस यहां पे राइजिंग स्टार्स गुंड की टीम ने और फाइनल को अपने नाम किया है।